हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए मैक्रोनी का एक न्यू वर्ज़न लेके आई हूँ। वैसे तो आपने मैक्रोनी बहुत बार खाई होगी, पर इस स्टाइल में मैक्रोनी शायद ही कभी खाई होगी आपने। तो एक बार आप इस तरह से मैक्रोनी बना लेंगे ना, तो आपके सारे झंझट ख़त्म होने वाले हैं। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे एक महीने के लिए। ये देखिए, इस तरह की मैंने मैक्रोनी ले ली है। आप चाहें तो पास्ते का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे वही प्रोसेस होता है, हम नॉर्मली जो मैक्रोनी को बॉईल करते हैं बस वही प्रोसेस करना है। पर हमें को इसको ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको हम 80% इसको कुक करेंगे। 80% आप इसको कुक करिएगा। साथ ही साथ इसमें हमने ऑयल डाल दिया है ताकि ये चिपके ना। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो मैक्रोनी है वो फीकी फीकी ना लगे। अब अच्छे से इसको स्टर करेंगे और 80% ही इसको फ्रेंड्स आपको कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको 80% ही कुक करना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, कोई भी टूथपिक या कुछ भी फोक लेके आप इंसर्ट करके देखिएगा। हल्की सी हार्ड होगी, हल्की सी इसमें कच्चापन होगा, मतलब हल्की सी सॉफ्ट भी रहेगी। तो इसका मतलब ये 80% कुक हो चुके हैं। इस टाइम पे इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हम मैक्रोनी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बॉईल करने के बाद उसको स्ट्रेन करते हैं, बस वही प्रोसेस इसमें भी हमको करना है। अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस टाइम पे इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। अब देखिए, स्पून से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ना तो चिपक रही हैं ना टूट रही हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, इसको आप 80% ही कुक करिएगा, ओवर कुक मत करिएगा। अब अच्छे से इसका हमने जो पानी था, एक्सेस पानी, वो भी इसका निकाल लिया है। थोड़ी देर हमने मैक्रोनी को रख लिया था, एक्सेस पानी इसका निकल चुका है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, स्पून लगाने पर भी ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है ना ही टूट रही हैं। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। हाथ लगा के देखेंगे तब भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, इसमें हम डाल देंगे कॉर्नस्टार्च के, और 2 ही बड़े चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लावर के भी ऐड कर देंगे। और इसको डालने के बाद अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। स्पून से या हाथों से अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स करने पर भी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है ना ही ये टूट रही हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था, जब भी आप इसको बॉईल करेंगे आप इसको 80% ही इसको कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर हम ओवर कुक कर लेंगे तो इस टाइम पे जो हमारी मैक्रोनी है वो चिपकने भी लगेगी और साथ ही साथ वो टूट भी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। गर्मियों की छुट्टियाँ तो वैसे ही चल रही हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होता है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक ले लेंगे हम स्ट्रेनर और अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, जो एक्सेस हमने जो इसमें कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लावर है उसको हमने हटा देना है, ताकि जो हमारा हम इसमें ऑयल में फ्राई करने वाले हैं फ्रेंड्स, इस मैक्रोनी को जो हमारा ऑयल है वो भी ख़राब नहीं होगा इससे। ये देखिए हमने फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा जो हमने कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च का यूज़ किया था वो हमने बिल्कुल भी इसमें से हटा दिया है। अब ले लेंगे एक मिक्सर का जार और इसका एक स्पाइसी सा चटपटा सा मसाला तैयार कर लेंगे, जो इस मैक्रोनी में जान डाल देगा। हमने इसमें डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी यूज़ किया है। 1 चम्मच हम शुगर की ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हमने इसमें डाला है चाट मसाला। अब इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमने इसमें जो है भुने जीरे का पाउडर भी ऐड किया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। साथ ही साथ इसमें हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटा सा, स्पाइसी सा और मज़ेदार सा हमारा चटपटा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें हमने काला नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा सा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अगर आप कोई पकोड़े वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर ये मसाला डाल के खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ ही साथ आप इसको सैलड के ऊपर भी आप खा सकते हैं डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमने देखिए ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था। अब इसमें हम मैक्रोनी इसमें ऐड कर देंगे। इस टाइम पे इसको बिल्कुल भी आप छेड़ेंगे नहीं, करछी बिल्कुल भी आपको नहीं लगानी है इसमें, एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए इस टाइम पे आप देखिए अच्छे से इसको करछी के साथ ही आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
और इसको गोल्डन होने तक इसको अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं अच्छे से इसको फ्राई होने में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस टाइम पे सारी मैक्रोनी को हम एज इट इज़ निकाल लेंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ वैसे ही चल रही हैं फ्रेंड्स, और बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। वैसे तो मैक्रोनी हम लोग बहुत बार बच्चों को खिलाते ही हैं, पर एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से बच्चों को या बड़े हों उनको इस तरीके से मैक्रोनी ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ हम अपना दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, और वही प्रोसेस है, गोल्डन होने तक इसको अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है। देखिए इस टाइम आप करछी मत लगाइएगा। देखिए अच्छे से हमने जो मैक्रोनी है अच्छे से फ्राई कर ली है दोनों ही बैचेस को। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से मैक्रोनी, आप खाएंगे ना, बनाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ इसमें हमने जो मसाला बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी आपको मैं इसकी आवाज़ भी बताऊँगी। देखिए कितने ही, जब हम इसको मिक्स करेंगे ना हाथ लगाने से, आपको पता चलेगा कितनी ही कुरकुरी जो है हमारी मैक्रोनी बनके स्टार्ट हो गई है। गर्मियों की छुट्टियाँ वैसे ही हैं, बच्चों को एक बार ज़रूर खिलाइएगा इस तरीके से मैक्रोनी। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी में जो मैक्रोनी है, मैक्रोनी की नमकीन है, बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड